वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक टू मूवी क्लिप्स। दोस्तों, मैं हेमंत आपका स्वागत है हमारे YouTube फैमिली में। यहाँ हम आपके लिए बेस्ट फिल्मों की एक्सप्लेनेशन स्टोरी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक शिव को दिखाया जाता है जो पृथ्वी से 60,000 इंसानों को लेकर टेनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मकसद से निकली थी। इस स्पेसशिप को टेनिस ग्रह तक पहुंचने में 123 साल लगने वाले थे। इस वजह से सारे अंतरिक्ष यात्रियों को हाइपर स्लीपिंग पॉड में सुलाकर ले जाया जा रहा था ताकि पूरे सफर के दौरान उनकी उम्र ना बढ़े। इस दौरान स्पेसशिप की देखभाल के लिए स्पेसशिप में 50 से भी ज्यादा फ्लाइट टीम्स मौजूद थी। हर टीम में एक लेफ्टिनेंट और 2 कॉर्पोरल मौजूद थे। उन फ्लाइट टीम्स में से पहली टीम 2 साल तक जागकर स्पेसशिप को संभालने वाली थी। फिर 2 साल बाद पहली टीम दूसरी टीम को जगाकर खुद अपने स्लीपिंग पॉड में सो जाएगी। उसके बाद अगले 2 साल तक दूसरी टीम स्पेसशिप को संभालेगी और 2 साल बाद वो तीसरी टीम को जगाकर खुद स्लीपिंग पॉड में सो जाएगी। टेनिस ग्रह पर पहुंचने तक उनकी शिफ्ट ऐसे ही चलने वाली थी। इलिसियम को लॉन्च हुए 7 साल बीत चुके थे। उस वक्त स्पेसशिप की देखभाल करने की जिम्मेदारी चौथी टीम की थी। एक दिन उनके पास पृथ्वी से एक मैसेज आया। न जाने उस मैसेज में ऐसा क्या था जिसे सुनकर वे तीनों अंदर तक कांप उठे। ऐसे ही समय बीतता रहा। उस लंबी यात्रा के दौरान एक दिन स्लीपिंग पॉड में सो रहा एक आदमी अचानक नींद से जाग उठा। वो आदमी खुद को उस बंद पॉड में पाकर घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसने किसी तरह खुद को स्लीपिंग पॉड से आजाद किया और बाहर निकल आया। उस आदमी की याददाश्त धुंधली पड़ चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। हालांकि उसे ये बात याद थी कि वो स्पेसशिप के फ्लाइट टीम का मेंबर था और साथ ही उसे अपनी ट्रेनिंग भी याद थी, लेकिन उसे उसका मिशन याद नहीं था। इतने में ही अचानक वहां की बिजली गुल हो गई, लेकिन उस आदमी को वहां पर एक ग्लो स्टिक मिल गई। उसकी रोशनी में उसने अपने स्लीपिंग पॉड पर एक नजर डाली। उसके पॉड पर उसका नाम कॉर्पोरल बावर लिखा था। उसी पल उसका ध्यान अपने हाथ पर बने एक टैटू पर गया जिसमें लिखे सीरियल नंबर से उसे पता चला कि वो स्पेसशिप के 5वें फ्लाइट टीम का मेंबर था। उसने देखा कि कमरे में 2 और स्लीपिंग पॉड्स थे जिसमें से एक पर कॉर्पोरल कूपर नाम लिखा हुआ था, लेकिन कूपर अपने पॉड से गायब था। वहीं दूसरे पॉड में एक आदमी सो रहा था। उसके पॉड पर लेफ्टिनेंट पेटन लिखा हुआ था। उसी कमरे में बावर को कंप्यूटर डेस्क पर शिप का नाम एलिसियम लिखा हुआ दिखा। वहीं उसे उसके नाम का एक लॉकर भी मिला। उसने जब उस लॉकर को खोला तो उसमें उसके कपड़े और एक लड़की की तस्वीर रखी थी। साथ ही वहां ये इंस्ट्रक्शन भी लिखी थी कि ज्यादा समय तक हाइपर स्लीप में होने की वजह से याददाश्त चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे याददाश्त वापस भी आ जाती है। उसे पढ़ने के बाद बावर ने झट से अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद उसने कमरे के एग्जिट डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन बिजली न होने की वजह से वो ऑटोमेटिक डोर खुल नहीं पाया। खुद को वहां कैद पाकर बावर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने लेफ्टिनेंट को जगाने के लिए उसके स्लीपिंग पॉड को खोलने का स्विच घुमाया, लेकिन बिना बिजली वो भी खुल नहीं पाया। कुछ ही देर बाद स्पेसशिप की बिजली अपने आप ही लौट आई। उसी पल स्पेसशिप ऐसे हिलने लगी मानो उसमें भूकंप आ गया हो। बिजली आते ही लेफ्टिनेंट पेटन का स्लीपिंग पॉड भी खुल गया। कुछ ही पलों में बिजली फिर से गुल हो गई। तब तक पेटन अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर आ चुका था। बावर की तरह उसकी याददाश्त भी धुंधली पड़ चुकी थी। इस पर बावर ने उसे याद दिलाते हुए कहा, इस वक्त हम लोग एलिसियम स्पेसशिप में हैं और हम शिप के फ्लाइट टीम 5 के मेंबर हैं। मुझे लगता है हमें पृथ्वी से निकले 8 साल हो चुके हैं, यानी कि अब शिप पर काम करने की बारी हमारी है। इसलिए कंप्यूटर ने हमें जगा दिया है। हालांकि हमें जगाने की जिम्मेदारी टीम 4 की थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही पेटन ने भी अपने कपड़े पहन लिए। उसी पल पेटन को याद आया कि वहाँ एक दरवाजे के पीछे शिप का कंट्रोल रूम है जहाँ से वे लोग शिप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कंट्रोल रूम का दरवाजा भी लॉक था। ये देख वे दोनों कंप्यूटर की ओर आ गए और कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर जनरेटर की मदद से स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने स्पेसशिप की बाकी फ्लाइट टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी का भी जवाब नहीं आया। इसी दौरान उनका ध्यान वेंटिलेशन की ओर गया। पेटन ने सुझाव दिया कि उन्हें वेंटिलेशन में जाना चाहिए, शायद वहां से उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ये सुनकर बावर तुरंत वेंटिलेशन में घुस गया। वो वेंटिलेशन में फैले ढेर सारे ट्यूब्स के बीच सरकता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस दौरान पेटन उसे ट्रांसमीटर के जरिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा था। इसी बीच एक बार फिर स्पेसशिप में बिजली लौट आई और स्पेसशिप फिर से थरथराने लगा। उसी पल बावर को याद आया कि स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर में गड़बड़ी की वजह से ही बिजली की समस्या हो रही थी, और वो ये सब इसलिए जानता था क्योंकि वो स्पेसशिप का मैकेनिकल इंजीनियर भी था। बावर ने ट्रांसमीटर पर पेटन से कहा कि ये समस्या ठीक करने के लिए उन्हें रिएक्टर को रीसेट करना होगा। अब वेंटिलेशन में ट्यूब्स इतनी ज्यादा घनी हो गई थी कि वहाँ बावर का दम घुटने लगा, लेकिन बावर किसी तरह खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी एक जगह पर आकर वो अचानक सिर के बल नीचे एक जाली पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूटने से बाल बाल बच गई। उसने जब आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि वहाँ उसके साथ एक लाश भी लटक रही थी। वो लाश उसी कूपर की थी जो अपने स्लीपिंग पॉड से गायब था। अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर आने के बाद कूपर ने भी बावर की तरह वेंटिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ सिर के बल गिरने से उसकी गर्दन टूट गई थी और वो मारा गया था। उसे देख डर के मारे बावर ने झट से वो जाली खोल दी, जिससे वो सीधा स्पेसशिप के स्टोर रूम में जा गिरा। नीचे गिरने की वजह से उसके ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ गई, जिससे उसका पेटन से संपर्क टूट गया। बावर जब उस स्टोर रूम से निकलकर स्पेसशिप के कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि बाहर चारों ओर घुप सन्नाटा पसरा हुआ था। बावर इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगा कि शायद आगे उसे फ्लाइट टीम का कोई मेंबर मिल जाए। तभी अचानक उसे वहां एक लड़की दिखी जो एक रॉड की मदद से किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की बावर की भनक पाते ही वहां से भागने लगी। बावर भी अपनी पूरी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाते ही बावर ने देखा कि वो लड़की अंधेरे में रास्ते के बीचों बीच रुक गई है। बावर ने उसके पास जाकर जैसे ही अपने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की तो देखा कि वो लड़की नहीं थी, बल्कि वहां किसी की बुरी तरह कटी हुई लाश लटक रही थी। उसे देख डर के मारे बावर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। तभी बावर को अपने पीछे से आती कोई आहट सुनाई दी। उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो एक नीली रोशनी उसकी ही ओर बढ़ रही थी। इतने में ही वो लड़की वहां से गायब हो गई। बावर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि वो नीली रोशनी आगे और पीछे दोनों तरफ से उसके करीब आती जा रही थी, और अब तो वहां किसी जानवर जैसी गुर्राने की आवाजें भी गूंजने लगी थी। इतने में ही किसी ने एक झटके से वहां लटकी लाश को ऊपर खींच लिया और किसी वहशी जानवर की तरह उसे नोच नोच कर खाने लगा। बावर डर के मारे अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और वापस उसी स्टोर रूम में आकर छुप गया। अगले ही पल वो नीली रोशनी तेजी से उसके सामने से गुजरी। बावर ने हिम्मत जुटाकर जब बाहर झांक कर देखा तो अपने सामने एक भयानक प्राणी को देखकर उसकी सांसें तक थर्रा उठी। उस प्राणी के हाथों में एक भाला था। वो नीली रोशनी उसके भाले की नोक से ही आ रही थी। तभी बावर ने उसे स्टोर रूम की ही ओर आते देखा। डर के मारे बावर उसी वेंटिलेशन में जाकर छुप गया जहां से वो बाहर निकला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वक्त उसके ट्रांसमीटर ने काम करना शुरू कर दिया और उससे पेटन की आवाज आई। बावर ने फौरन उस आवाज को दबा दिया, लेकिन तब तक उस प्राणी को बावर की भनक लग चुकी थी। वो अपने भाले से वेंटिलेशन पर अंधाधुंध हमले करने लगा। खुशकिस्मती से उसे बावर की जगह कूपर की लाश मिल गई और वो उसे लेकर भाग गया। बावर ने उसी वक्त पेटन को भी उन खूंखार प्राणियों के बारे में बताया, जिसे सुनकर पेटन भी हैरान रह गया। इन्हीं बातों के बीच पेटन को याद आया कि वे 60,000 पैसेंजर्स को लेकर टेनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मिशन पर निकले थे। पेटन की बात सुनते ही बावर को भी पुरानी कुछ बातें याद आने लगी। उसे वो लड़की भी याद आई जिसकी फोटो उसे उसके लॉकर में मिली थी। वो लड़की बावर की पत्नी थी। साथ ही उसे ये भी याद आया कि इस मिशन में उन सबके परिवार भी उनके साथ आने वाले थे। उसने पेटन से कहा कि इससे पहले कि वे खूंखार प्राणी उनके परिवार तक पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार को ढूंढकर उनकी सुरक्षा करनी होगी। ये सुनकर पेटन ने बावर को समझाया, ये एक विशाल स्पेसशिप है और हमें तो याद भी नहीं कि हमारे परिवार इस वक्त कहाँ है, इसलिए हमें पहले स्पेसशिप को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर स्पेसशिप ठीक हो गई तो हम कंट्रोल रूम में मौजूद कंप्यूटर की मदद से अपने परिवार को ढूंढ सकते हैं। बावर पेटन की इस बात से राजी हो गया। वो हिम्मत जुटाकर वेंटिलेशन से बाहर निकल आया। उसने आसपास उन प्राणियों के ना होने की तसल्ली की और कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक सिक्योरिटी लॉकर में एक सुपरसोनिक गन मिल गई। उस गन को अपने हाथ में पहनकर बावर कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। इस दौरान पेटन कंप्यूटर की मदद से उसे स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था ताकि बावर रिएक्टर को रीसेट करके स्पेसशिप को ठीक कर सके। बावर अभी थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये देख अचानक उसके दिमाग में पैंडोरम शब्द आया। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि पैंडोरम का मतलब क्या है। उसने जब पेटन से पैंडोरम के बारे में पूछा तो पैंडोरम शब्द सुनकर पेटन के चेहरे से हवाइयां ही उड़ गई। पेटन ने बावर को एक कहानी सुनाई। एक बार 5000 लोगों को ईडन नाम की एक अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया था। उस मिशन में एक क्रू मेंबर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। उसे लगने लगा था कि उनकी स्पेसशिप श्रापित है। इस सोच ने उसे पागल कर दिया। अपने पागलपन में उस क्रू मेंबर ने अपने साथ साथ स्लीपिंग पॉड में सो रहे सारे 5000 लोगों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया, जिससे वे सारे लोग मारे गए। डॉक्टर्स ने उसके पागलपन को पैंडोरम नाम दिया। पैंडोरम एक दिमागी बीमारी है जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को होती है। पैंडोरम के शुरुआती लक्षणों में मरीज की याददाश्त कमजोर हो जाती है, फिर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके नाक से खून बहने लगता है, साथ ही उसे हेलुसिनेशन भी होते हैं। उस वक्त अगर किसी बात से उसे कोई सदमा पहुंचे तो पैंडोरम उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। इस कहानी ने बावर के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसने पेटन से अपने हाथ कांपने वाली बात छुपाना ही बेहतर समझा। आगे बढ़ते हुए बावर जैसे ही शिप की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, तभी उन खूंखार प्राणियों को बावर की भनक लग गई और वो मौत बनकर उसके पीछे पड़ गए। उनसे बचकर भागते हुए बावर का पैर एक रस्सी में फंस गया, जिससे बावर नीचे गिरकर उस रस्सी से लटक गया। उस झटके से बावर का ट्रांसमीटर फिर से खराब हो गया, जिससे उसका पेटन से संपर्क टूट गया। इतने में ही वे प्राणी बावर की रस्सी को ऊपर खींचने लगे। बावर बस उनके हाथ लगने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर एक आदमी ने बावर की रस्सी काटकर उसकी जान बचा ली और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले आया। उस आदमी का नाम मैन था और वो वियतनाम से था। मैन बावर से वियतनामीज भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा, लेकिन बावर को उसकी भाषा समझ नहीं आई। इसी दौरान बावर मैन के हाथ का टैटू देख समझ गया कि वो एग्रीकल्चर टीम से था। बावर ने अपनी जान बचाने के लिए मैन का शुक्रिया अदा किया और फिर से रिएक्टर रूम की तरफ जाने लगा। आगे चलकर बावर कंटेनर से भरे एक विशाल कमरे में पहुंच गया। तभी अचानक उसी लड़की ने फिर से बावर पर हमला कर दिया, जिससे शुरुआत में बावर का पाला पड़ा था, लेकिन इस बार मैन ने वहां आकर बावर को बचा लिया। अगले ही पल मैन और उस लड़की के बीच घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन तभी बावर ने हवा में फायर करके उनकी लड़ाई रोक दी और उनसे कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। हमें जल्द से जल्द स्पेसशिप के रिएक्टर को रीसेट करके स्पेसशिप को ठीक करना होगा। इस पर वो लड़की राजी हो गई और बावर और मैन के साथ रिएक्टर की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम नाडिया है और वो एक बायोलॉजिस्ट है। वो लगभग 6 महीने पहले अपने स्लीपिंग पॉड से जागी थी और 6 महीनों से अपने लैब में पल रहे कीड़े खाकर जिंदा थी। हालांकि उसे अब तक पता नहीं था कि वे खूंखार प्राणी कौन हैं और वे इस स्पेसशिप पर कैसे पहुंचे। वो बस किसी तरह उनसे बचकर रह रही थी। आगे चलकर उन्हें एक चैम्बर मिला जहां कई सारे स्लीपिंग पॉड्स मौजूद थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर स्लीपिंग पॉड्स खाली थे। नाडिया ने बावर को बताया कि ये चैम्बर उन प्राणियों का हंटिंग जोन है। वे प्राणी यहाँ आकर स्लीपिंग पॉड से निकलने वाले लोगों का शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये बताकर नाडिया जल्दी उन दोनों को वहां से ले जाने लगी, लेकिन तभी मैन को वहां उन प्राणियों के होने का एहसास हुआ। वो सतर्क होकर वहीं जम गया। नाडिया उसे छोड़कर बावर को लेकर वहां से भागी रही थी कि तभी उनके नीचे का जाली नुमा फर्श टूट गया, जिससे वे दोनों एक कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरे। उन्होंने जब ग्लो स्टिक जलाकर अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो वहां उन्हें एक भयानक मंजर नजर आया। वो गड्ढा सड़ी गली इंसानी लाशों से भरा पड़ा था। असल में वे प्राणी इंसानों को खाकर उनकी हड्डियां वहां फेंक देते थे। बावर और नाडिया उस गड्ढे से निकल पाते उससे पहले ही एक प्राणी उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ धमका। हालांकि उन प्राणियों की नजर कमजोर थी, पर उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति काफी तेज थी। उसे देख वे दोनों उस कीचड़ में ही छुपे रहे, जिस कारण उस प्राणी को उनकी गंध नहीं मिल पाई और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही बावर तुरंत कीचड़ से बाहर निकल आया। वो नाडिया को भी कीचड़ से बाहर निकाल ही रहा था कि तभी वहां छुपकर घात लगाए उस प्राणी ने उन दोनों पर हमला कर दिया। वो उन दोनों को मारने ही वाला था कि इतने में ही मैन वहां आ गया और उसने उस प्राणी के सिर पर अपना खंजर घोंप दिया, उसके बाद बावर, नाडिया और मैन तीनों ने मिलकर उस प्राणी पर खंजर घोंप-घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पर तभी उस प्राणी के और भी साथी वहां आ गए, लेकिन वे प्राणी उन तीनों को छोड़ अपने ही मरे हुए साथी पर टूट पड़े और उसे खाने लगे। इसी बीच मौका पाकर नाडिया, मैन और बावर वहां से भाग निकले। वे लोग एक सुरंग से होते हुए दूसरे चैम्बर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी उन्हें उस चैम्बर के ऊपर एक आदमी नजर आया। उसे देख वे लोग सतर्क हो गए, लेकिन उस आदमी ने कहा, डरो मत, तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर बावर ने उसे बताया कि उन्हें स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर की तलाश है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें रिएक्टर की लोकेशन बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैं एक शेफ हूँ, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर शेफ ने उस चैम्बर की दीवारों पर लगी काई से उन्हें सूप बनाकर दिया, जिसे पीते हुए वे तीनों वहाँ आराम करने लगे। इसी दौरान बावर ने नाडिया से पूछा कि आखिर वे प्राणी स्पेसशिप में आए कहाँ से होंगे, क्या वे लोग एलियंस हो सकते हैं? इस पर नाडिया ने कहा, मुझे लगता है वे एलियंस नहीं बल्कि वे इसी स्पेसशिप के पैसेंजर्स हैं। दरअसल हाइपर स्लीप में रहने के बाद हमें फीडिंग ट्यूब्स के जरिए एक सिंथेटिक एंजाइम भी दिया जा रहा था। ये एंजाइम टेनिस ग्रह के नए एनवायरनमेंट के अनुसार हमारे शरीर में जरूरी बदलाव करके हमें उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में मदद करने वाला था, ताकि हमारा शरीर जल्द से जल्द टेनिस ग्रह के नए एनवायरनमेंट को अपना सके। लेकिन मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग वक्त से काफी पहले ही अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकल आए होंगे और काफी समय तक स्पेसशिप के एनवायरनमेंट में रहने के कारण उनके शरीर ने स्पेसशिप के अंधेरे और मुश्किलों से भरे एनवायरनमेंट को ही अडेप्ट करना शुरू कर दिया होगा। खाने की कमी की वजह से वे एक दूसरे को ही खाने लगे होंगे और इस तरह वे म्यूटेट होकर उन खूंखार प्राणियों में बदल गए होंगे। ये सुनकर शेफ ने नाडिया की बात को काटते हुए कहा, क्या तुम लोग सच में नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने यहाँ आने वाले लोगों से सुना है। इस पर सभी गौर से शेफ की बात सुनने लगे। शेफ ने उन्हें दीवारों पर बनाए चित्रों को दिखाते हुए आगे बताया, बात तब की है जब एलिसियम स्पेसशिप को लॉन्च हुए 7 साल ही हुए थे। उस वक्त फ्लाइट टीम 4 स्पेसशिप को संभाल रही थी। हाइपर स्लीप से जागे उन्हें 1 साल हो चुका था। हालांकि उनमें पैंडोरम के सिम्टम्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब तक वे अपना काम सही से कर रहे थे। तभी एक दिन उन्हें पृथ्वी से एक वीडियो मैसेज मिला। वो मैसेज पृथ्वी से भेजे जाने वाला आखिरी मैसेज था, क्योंकि फ्लाइट टीम को वो मैसेज मिलने तक पृथ्वी का पूरी तरह से वजूद ही मिट चुका था। मानव जाति का पूरी तरह अंत हो चुका था। मैसेज में उनसे कहा गया कि अब सिर्फ एलिसियम स्पेसशिप पर ही आखिरी इंसान बचे हैं। ये खबर सुनकर गैलो नाम की एक फ्लाइट टीम मेंबर को गहरा सदमा लगा, जिससे पैंडोरम उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। उसके मन में ये बात घर कर गई कि पृथ्वी के नष्ट होने का कारण इंसान और उनकी इंसानियत ही है। अगर इंसान प्रकृति के नियम से चलते, अगर वे जानवरों की तरह ही रहकर एक दूसरे का शिकार करते और एक दूसरे को खाकर ही अपना पेट भरते, तो ना पृथ्वी पर इंसानों की आबादी बढ़ती और ना ही पृथ्वी नष्ट होती। गैलो को यकीन था कि टेनिस ग्रह पर बसने के बाद इंसान उसे भी पृथ्वी की तरह नष्ट कर देंगे, इसलिए उसने टेनिस ग्रह पर पहुंचने से पहले इंसानों की इंसानियत को खत्म करने का ठान लिया, ताकि इंसान टेनिस ग्रह पर जाकर जानवरों की तरह रहे और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का ही शिकार करे। इससे टेनिस ग्रह पर पृथ्वी की तरह आबादी नहीं बढ़ेगी। अब पृथ्वी नहीं थी तो उसे रोकने के लिए कोई नियम या कानून नहीं थे। वो हाइपर स्लीप में सो रहे 60,000 लोगों के साथ जो चाहे वो कर सकता था। उसके क्रू मेंबर्स ने जब उसका विरोध किया तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद गैलो ने स्लीपिंग पॉड में सो रहे लोगों को जगाना शुरू किया। स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलकर जो लोग पैंडोरम से जूझ रहे थे, गैलो ने उन्हें ये कहकर अपनी बातों से बहकाया कि अब इस दुनिया में न तो कोई भगवान है और ना कोई कानून है, इसलिए हम बिना डरे कोई भी हद पार कर सकते हैं। हम एक नई दुनिया बना सकते हैं जहां हम जानवरों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे। जब एक इंसान दूसरे इंसान का शिकार करेगा तो पृथ्वी की तरह यहाँ आबादी कभी नहीं बढ़ेगी। इस तरह गैलो ने उन्हें बहकाकर शिप के एक बड़े हिस्से में कैद कर दिया, ताकि वे एक दूसरे का शिकार करके एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर हो जाएं। इस तरह एक खूनी खेल की शुरुआत हुई। गैलो ने सालों तक वो खेल खेला, लेकिन फिर वो उस खेल से बोर हो गया और वापस जाकर अपने स्लीपिंग पॉड में सो गया। लेकिन उसने जिस खूनी खेल की शुरुआत की थी वो उसके नींद में रहने के बाद भी चलता रहा, जिससे वे लोग नरभक्षी बन गए और उस खेल को ही अपनी जिंदगी मानकर एक दूसरे का शिकार करते रहे। सालों तक शिकार करते हुए आज वही नरभक्षी लोग खूंखार प्राणियों में बदल चुके हैं। शेफ की बात खत्म होते ही उस चैम्बर से एक गैस निकली जिसके असर से बावर, नाडिया और मैन बेहोश हो गए। इसी दौरान दूसरी ओर पेटन के नाक से अचानक खून बहने लगा जिससे वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वेंटिलेशन से आती कोई आवाज सुनकर उसे होश आ गया। वो एक रॉड लेकर जब वेंटिलेशन में पहुंचा तभी ट्यूब्स के बीच से एक निर्वस्त्र आदमी बाहर निकला। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही गेलो था जिसने स्पेसशिप में उस खूनी खेल की शुरुआत की थी। गेलो का शरीर खून से सना था और वो पेटन से मदद की गुहार लगा रहा था। गेलो की सच्चाई से बेखबर पेटन उसे वेंटिलेशन से बाहर ले आया। उसके बाद पेटन ने गेलो से पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। इस पर पहले तो गेलो ने पेटन को पृथ्वी के नष्ट होने की खबर दे दी। उसके बाद उसने पेटन को झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि पृथ्वी के नष्ट होने की खबर सुनकर उसके दोनों क्रू मेंबर्स पर पैंडोरम हावी हो गया था जिससे वो हिंसक हो गए थे, इसलिए उसे उनका कत्ल करना पड़ा। पृथ्वी के नष्ट होने की खबर सुनकर पेटन को भी सदमा सा लगा और पैंडोरम उस पर हावी होने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद पर काबू कर लिया। दूसरी ओर बावर, नाडिया और मैन जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि वे रस्सियों से उल्टे लटके थे। उन्हें लटकाने वाला शेफ ही था। वे तीनों समझ चुके थे कि शेफ उन्हें खाने वाला है। बावर ने उससे चिल्लाकर कहा, अगर हमने 1 घंटे के अंदर शिप के रिएक्टर को रीसेट नहीं किया तो स्पेसशिप पूरी तरह बंद पड़ जाएगी और हम सबके साथ तुम भी मारे जाओगे। इस पर शेफ भी सोच में पड़ गया। उसने तुरंत उन तीनों को आजाद कर दिया। उसने बावर की गन छीन ली और जल्दी उन तीनों को रिएक्टर की तरफ ले जाने लगा। आगे चलकर वे उस चैम्बर में पहुंचे जहां स्पेसशिप पर काम करने वाले लोगों की फैमिलीज को हाइपर स्लीप में रखा गया था, लेकिन वे प्राणी उनमें से ज्यादातर लोगों का शिकार कर चुके थे। वहीं नाडिया ने बावर से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी यहाँ है? तभी बावर को याद आया कि उसकी पत्नी तो स्पेसशिप पर आई ही नहीं थी क्योंकि वो पृथ्वी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बावर को अकेले ही स्पेसशिप पर आना पड़ा। बावर को ये सोचकर सदमा सा लगा कि पृथ्वी खत्म होने के साथ ही उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। इसी दौरान बावर को पेटन की पत्नी का स्लीपिंग पॉड दिखा, लेकिन वो स्लीपिंग पॉड खाली था। बदकिस्मती से पेटन की पत्नी भी उन प्राणियों का शिकार बन चुकी थी। उसे याद करते हुए अचानक बावर को पेटन से जुड़ी कुछ ऐसी बात याद आ गई जिससे उसके होश ही उड़ गए। वो बाकी लोगों के साथ जल्दी रिएक्टर रूम में पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती से रिएक्टर तक पहुंचने वाले पुल के नीचे वे सारे खूंखार प्राणी सोए हुए थे। बावर हिम्मत जुटाकर दबे पांव पुल पार करने लगा, लेकिन तभी वो पुल टूट गया। ये देख मैन ने तुरंत उस पुल को पकड़ लिया, लेकिन बावर पुल पर संभल नहीं पाया और नीचे गिरकर एक लोहे की बीम पर लटक गया। इतने में ही नाडिया तुरंत वहां से रिएक्टर की ओर चली गई। हालांकि उस रिएक्टर को रीसेट करना सिर्फ बावर को ही आता था और बावर केवल उन प्राणियों के बीच से होकर ही रिएक्टर तक पहुंच सकता था, इसलिए बावर नीचे उतरकर दबे पांव उन प्राणियों के बीच आ गया और वहां पड़ी उनकी खाल से खुद को ढक लिया ताकि उन प्राणियों को उसकी गंध ना मिल पाए। बावर उनके ऊपर से रेंगता हुआ किनारे तक पहुंचा ही था कि तभी उधर शेफ का टॉर्च उसके हाथ से छूटकर उन प्राणियों के बीच गिर गया, जिससे वे सारे प्राणी जाग गए, लेकिन तब तक बावर रिएक्टर तक पहुंच चुका था। वहीं मैन ने पुल को नीचे गिराकर उन प्राणियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वहां से भागने लगा। इसी बीच बावर और नाडिया को रिएक्टर ठीक करने का समय मिल गया। बावर ने जैसे ही रिएक्टर को रीसेट किया, उस रिएक्टर से एक तेज ऊर्जा निकली जिसने रिएक्टर के नीचे मौजूद प्राणियों को जलाकर राख कर दिया। रिएक्टर ठीक हो जाने से पूरे स्पेसशिप की बिजली वापस आ गई, लेकिन अब भी वहां बहुत से प्राणी बचे हुए थे जो बावर और नाडिया का पीछा करने लगे। वहीं मैन का भी एक प्राणी से सामना हो गया। उन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में मैन ने उसे मार गिराया। तभी मैन के सामने उन प्राणियों की एक बच्ची आ गई। मैन उसे मासूम बच्ची समझकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी उस बच्ची ने अपने भाले से मैन की गर्दन ही काट दी। दूसरी ओर शेफ तेजी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। बावर और नाडिया भी उसके पीछे ही थे, लेकिन शेफ ने उन्हें रास्ते के बीच में ही कैद कर दिया और खुद वहां से भाग निकला। इसी दौरान दूसरी ओर गैलो के नाक से भी खून बहने लगा था, जिससे पेटन समझ गया कि गैलो भी पैंडोरम से जूझ रहा है, इसलिए उसने गैलो को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन निकाल लिया। लेकिन तभी गैलो ने उसे देख लिया और उन दोनों में हाथापाई होने लगी। आश्चर्य की बात थी कि उन दोनों के हाथ पर बने टैटू के सीरियल नंबर 1 ही थे। अगले ही पल गैलो ने पेटन को ही वो इंजेक्शन लगा दिया वो इंजेक्शन लगाते ही अचानक गेलो वहां से गायब हो गया। इतने में ही शेफ वहां पहुंच गया। शेफ पेटन को अपने बारे में बताने लगा, लेकिन तभी पेटन ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी आंख में इंजेक्शन घोंपकर उसे मौत की नींद सुला दिया। दूसरी ओर वे प्राणी बावर और नाडिया तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्होंने किसी तरह रास्ते का दरवाजा खोल लिया और वहां से भागकर पेटन वाले कमरे तक पहुंच गए। कमरे के अंदर आते ही उन्होंने देखा कि स्पेसशिप के कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल चुका था। ये देख बावर और नाडिया भी कंट्रोल रूम में आ गए, लेकिन पेटन उन्हें कहीं नजर नहीं आया। वहीं बावर कंप्यूटर में ये डेटा कैलकुलेट करने लगा कि उन्हें पृथ्वी से निकले कितने साल हुए हैं। डेटा प्रोसेस हो ही रहा था कि तभी पेटन उन्हें एक कुर्सी पर बैठा नजर आया। हालांकि रिएक्टर को ढूंढते वक्त जब बावर ने पेटन की पत्नी का स्लीपिंग पॉड देखा था, तो उसी वक्त उसे पेटन और उसका परिवार याद आ गया था। उसे पता चल चुका था कि अब तक वो जिसे पेटन समझ रहा था, असल में वो कोई और ही था। उसने उस बहरूपीय से पूछा, कौन हो तुम? इस पर उस बहरूपीय ने बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि कॉर्पोरल गेलो ही है, वही गेलो जिसने स्पेसशिप पर खूनी खेल की शुरुआत की थी। उस वक्त गेलो जवान था। वो सालों तक खूनी खेल खेलता रहा। वक्त के साथ उसकी उम्र बढ़ गई, लेकिन फिर वो उस खेल से बोर हो गया। उसने स्लीपिंग पॉड में सोए असली लेफ्टिनेंट पेटन को मार दिया और लेफ्टिनेंट पेटन के कपड़े पहनकर उसी के स्लीपिंग पॉड में सो गया। सालों बाद जब वो नींद से जागा तो वो सब भूल चुका था और खुद को लेफ्टिनेंट पेटन ही समझ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे पेंडोरम उस पर हावी होने लगा, जिससे उसे हेलुसिनेशन होने लगे। उसके हेलुसिनेशन ने उसके बुरे विचारों को उसे जवान गेलो के रूप में दिखाया। धीरे धीरे उसके बुरे विचार उस पर हावी होने लगे। हालांकि वो खुद को पेटन ही समझ रहा था, इसीलिए वो अपने बुरे विचारों से यानी कि जवान गेलो से लड़ रहा था। लेकिन अंत में उसके बुरे विचार उस पर हावी हो गए। इसी के साथ उसे याद आ गया कि वो पेटन नहीं बल्कि खुद गेलो ही है, जो अब बूढ़ा हो चुका है। ये बात याद आते ही उसे अपने पुराने सारे बुरे काम भी याद आ गए। उसने सोने से पहले जिस मकसद को अधूरा छोड़ा था, उसे वो फिर से पूरा करने में लग गया। गेलो की असलियत जानने के बाद बावर ने उससे पूछा कि वे लोग इस वक्त कहाँ हैं। इस पर गेलो ने स्पेसशिप के ऊपर की विंडो शील्ड खोल दी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वे जिस जगह पर थे वहाँ आसमान में कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा था। वहाँ केवल गहरा अंधेरा था। उसे देख बावर को समझ आया कि वे लोग स्पेस में खो चुके हैं, जिससे बावर की घबराहट बढ़ गई और पेंडोरम उस पर भी हावी होने लगा। ये देख गेलो ने बावर को भी उसी तरह अपनी बातों से बहकाना शुरू कर दिया, जैसे उसने शुरुआत में पेंडोरम से जूझ रहे लोगों को बहकाकर उन्हें खूंखार बना दिया था। लेकिन बावर गेलो की बातों में नहीं आया। उसने गेलो को पीट पीट कर उसका मुंह बंद कर दिया। इसी दौरान बावर और नाडिया ने देखा कि उनके स्पेसशिप के ऊपर कुछ अजीब से जीव पानी में तैर रहे थे। उसे देख वे समझ गए कि उनकी स्पेसशिप स्पेस में नहीं बल्कि पानी के नीचे है। तभी उनके कंप्यूटर ने कैलकुलेशन पूरी कर ली, जिसके मुताबिक उन्हें पृथ्वी से निकले 923 साल बीत चुके थे। इससे वे समझ गए कि उनकी स्पेसशिप अपने तय समय 123 साल में ही टेनिस ग्रह पर आकर समंदर में लैंड हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वे 800 सालों से टेनिस ग्रह पर ही थे। दरअसल स्पेसशिप पर मौजूद वे प्राणी स्पेसशिप के पैसेंजर्स नहीं थे, बल्कि उनके वंशज थे। शुरुआत में वे पैसेंजर्स पेंडोरम की वजह से पागल होकर गेलो द्वारा सिखाया शिकार का खेल खेलने लगे थे। उन्हें वो खेल सिखाकर गेलो तो दोबारा हाइपर स्लीप में चला गया था, लेकिन नरभक्षी बन चुके उन पैसेंजर्स ने उस खेल को जारी रखा। उन्हें फीडिंग ट्यूब के जरिए दिए गए एंजाइम की वजह से उनका एवोल्यूशन यानी कि विकास तेजी से होने लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे उनका वंश आगे बढ़ा, वे स्पेसशिप के अंधेरे माहौल में ढलते चले गए। अंधेरे की वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति तेज हो गई। साथ ही शिकार करते रहने की वजह से उनकी शारीरिक क्षमताएं भी विकसित हो गई। आगे चलकर उन्होंने एक दूसरे के अलावा स्लीपिंग पॉड में मौजूद लोगों को भी खाना शुरू कर दिया। इस तरह आज 923 साल बाद भी उन पैसेंजर्स के वंशज यानी कि वे खूंखार प्राणी लोगों का शिकार कर रहे हैं। ये सारी सच्चाई जानकर पेंडोरम से जूझ रहे बावर का दिमाग घूमने लगा। उसे हेलुसिनेशन होने लगे, जिससे उसे वे प्राणी अपने आसपास नजर आने लगे। इसी दौरान मौका पाकर गेलो ने बावर पर हमला कर दिया। ये देख नाडिया ने उसे बचा लिया और खुद गेलो के साथ भिड़ गई, लेकिन गेलो ने नाडिया को मारकर दूर गिरा दिया। और एक चाकू लेकर उसे मारने आगे बढ़ने लगा। इसी बीच बावर को भ्रम हुआ कि एक प्राणी कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है। बावर ने अपनी गन से उसे शूट कर दिया, जिससे उस कंपार्टमेंट का लोहे का ढक्कन उछलकर स्पेसशिप के कांच पर जा लगा, जिससे वो कांच टूट गया और स्पेसशिप में पानी भरने लगा। ये देख बावर नाडिया को लेकर तुरंत वहां से भागा और अपने स्लीपिंग पॉड में घुस गया, लेकिन वहीं गैलो अपने स्लीपिंग पॉड तक पहुंचने से पहले ही पानी में डूब गया और उसके साथ ही स्पेसशिप पर बचे हुए सारे प्राणी भी पानी में डूब कर मारे गए। बावर ने उसी वक्त अपने स्लीपिंग पॉड को इजेक्ट कर दिया, जिससे वो पॉड लॉन्च होकर पानी से सतह पर आ गया। पॉड से बाहर निकलकर उन्होंने अपने आसपास नजरें दौड़ाई। वे लोग अपने नए घर यानी कि टेनिस ग्रह को देख रहे थे। इसी के साथ स्पेसशिप में पानी भरने से उसमें इमरजेंसी लॉन्च सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिससे स्पेसशिप के स्लीपिंग पॉड में जिंदा बचे 1211 लोग भी सतह पर आ गए। उन्हें देख बावर और नाडिया के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। वे बाकी बचे लोगों के साथ मिलकर टेनिस ग्रह पर मानव जाति की एक नई शुरुआत करने निकल पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।